हेलो गाइस, टेली फॉर ऑल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पहले की एक वीडियो में बताया था कि जब आप कोई प्रिंसिपल कंपनी है और आप किसी वर्क जॉब वर्कर से कोई जॉब उसको प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी एंट्री हम जीएसटी के साथ टैली में कैसे करते हैं वो हमने सीखा था। आज हम देखेंगे जब आप खुद कोई जॉब वर्कर हैं और किसी कंपनी से आप कोई जॉब वर्क लेते हैं, तो उसकी एंट्री हम टैली में जीएसटी के साथ कैसे करेंगे वो सीखेंगे। जिन्होंने मेरी पहले वाली जॉब प्रोसेस वाली वीडियो नहीं देखी, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, जिससे आपको इस वीडियो में इजीली समझ आता रहेगा। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिलती रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ मेरी जो कंपनी है वो एक रजिस्टर्ड जॉब वर्किंग की कंपनी है। अब आप क्या करेंगे, पहले सबसे पहले जीएसटी के फीचर को इनेबल करेंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे F11 और फिर जाएंगे स्टेटमेंट एंड टैक्सेशन में, प्रेस करेंगे F3 और यहाँ पे अपनी जीएसटी को इनेबल करेंगे। सेट ऑटो जीएसटी डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पे अपनी जीएसटी की डिटेल फिल कर देंगे। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप एक बार फिर से F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जाएंगे हम इन्वेंटरी फीचर्स में, उसके लिए प्रेस करेंगे F2 और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऑप्शन जो है इनेबल करना है। पहला जो ऑप्शन है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको आप यस करेंगे और फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा इनेबल जॉब प्रोसेसिंग जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी आप यस करेंगे। और जब आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको यूज मटेरियल इन एंड आउट वाउचर भी यस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसको भी यस रहने देंगे। और लास्ट है यूज कॉस्ट ट्रैकिंग फॉर स्टॉक आइटम, इसको आप चाहे तो यस भी कर सकते हैं या ना ना नो भी कर सकते हैं, मैं अभी इसको नो रख रहा हूँ, इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। दोस्तों, जॉब प्रोसेसिंग को करने के लिए उसे कुछ स्टेप्स हैं, तो पहले हम वो स्टेप्स देख लेते हैं हमें कैसे करना है। तो देखते हैं हम, देखिए पहला जो है जॉब वर्क ऑर्डर रिसीव्ड। पहले सबसे पहले आप एक मान लीजिए आपकी जो बेनिफिशियल कंपनी है वो आपको जॉब वर्क ऑर्डर करती है, तो उसकी आप उसको आप रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड है रॉ मटेरियल रिसीव्ड, हम अपने मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल रिसीव करेंगे। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, हमारा जो रॉ मटेरियल है हम उसको फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ है डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स, हमारे जो फिनिश गुड्स है तैयार हो गए उसको हम अपने मैन्युफैक्चरर को डिलीवर कर देंगे। और फोर्थ है हम उसके लिए सेल इनवॉइस जनरेट कर देंगे। तो ये पांच स्टेप्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो हम वापस जाएंगे टैली में। अब हमें पहले कुछ सेटिंग्स करनी है, तो उसके लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में, जाएंगे वाउचर टाइप्स में, फिर ऑल्टर में जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा मटेरियल इन, उसमें एंटर करेंगे और फिर लास्ट में ऑप्शन होगा यूज फॉर जॉब वर्क, आप इसको यस करेंगे और फिर यूज फॉर जॉब वर्क इनको भी यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और आपको दूसरा ऑप्शन दिखेगा मटेरियल आउट, इसमें भी जाएंगे आप, इसमें भी यूज फॉर जॉब वर्क को यस करेंगे और यूज फॉर जॉब वर्क इनको भी यस करेंगे, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम वापिस जाएंगे। दोस्तों, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मुझे जो जॉब वर्क मिला है वो शर्ट्स को प्रोड्यूस करने का मिला है, तो उसके लिए अब हम पहले क्या करेंगे, पहले एक गोडाउन क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंटरी इन्फो में, गोडाउन्स में यहाँ क्रिएट क्लिक करेंगे और अपना गोडाउन बनाएंगे, जहाँ पे कि मैं अपना रॉ मटेरियल जो है हमको जो मिलेंगे उसको रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इसको प्राइमरी ले लेंगे और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी स्टॉक विदर्स को यस करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर वापस जाएंगे।
अब हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप्स। पहला जो हम क्रिएट करेंगे वो करेंगे रॉ मटेरियल का, अंडर प्राइमरी ले लेंगे, यहाँ करेंगे यस, उसका सब कर लेंगे, और फिर दूसरा करेंगे फिनिश गुड्स के लिए। अंडर प्राइमरी इसको यस करेंगे और उसका सब कर लेंगे। अब हम अपनी स्टॉक आइटम बनाएंगे, इसके लिए वापस जाएंगे स्टॉक आइटम पे, लेकिन उसके पहले हम एक अभी एक ग्रुप और बनाएंगे स्क्रैप के लिए। हम हमारे शर्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते वक्त हमारे को स्क्रैप भी निकलेंगे, तो उसके लिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं। प्राइमरी यस, उसका सब कर लूंगा, बैक करेंगे। अब बनाएंगे हम स्टॉक आइटम्स, तो पहले जो आइटम बना रहा हूँ मैं बना रहा हूँ बटन्स, जो मेरी शर्ट बनाते टाइम यूज होंगे। इसको मैं लूंगा रॉ मटेरियल, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फिर दूसरी बनाएंगे हम थ्रेड्स, ये भी रॉ मटेरियल, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर तीसरे बनाएंगे क्लॉथ, जो हमारे कपड़े यूज होंगे शर्ट बनाने के लिए, ये भी रॉ मटेरियल में आएगा। को बनाएंगे स्क्रैप के लिए, ये बना जाएगा स्क्रैप में। अब एक और आइटम बनाएंगे फिनिश गुड्स के लिए, ये मेरा फिनिश गुड्स में आ जाएगा, ये मेरा ले लूंगा नंबर में। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन जो है वो इनेबल करना है, इसके लिए आप प्रेस करेंगे F12। यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखेगा बिट्स ऑफ मटेरियल का, अगर आपका ये नो है तो इसका आप यस कर लेंगे और फिर एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा सेट कॉम्पोनेंट्स BUM, उसका आप यस करेंगे और फिर यहाँ से यहाँ पर आपको BUM लिस्ट पूछेगा। यहाँ पर आप नाम डाल देंगे जो जो भी आपको गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वह एक शर्ट प्रोड्यूस करने में आपके जो रॉ मटेरियल यूज होंगे उसकी डिटेल फिल करनी है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ मैं ले लूँगा जॉब वर्क इन, जो मैंने गोडाउन बनाया था, या कंपोनेंट, और यहाँ मान लीजिए मेरे एक शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो बटन यूज हो रही है वो मेरी हो रही है 5। और फिर ले लूँगा थ्रेड्स, ये भी जॉब वर्क में कॉम्पोनेंट में, और थ्रेड में ले लेता हूँ 3। फिर ले लूंगा मैं क्लोथ, जो फर्क इन में कंपोनेंट में, और मैं ले लूंगा ये 5 मीटर। और फिर मेरे स्क्रैप भी आएंगे, स्क्रैप ले लूंगा ये जो फर्क में, ये मैं लूंगा स्क्रैप में, और स्क्रैप में फिक्स कर लेता हूँ मान लीजिए 1 मीटर, उसको उसका एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, अब हम एंट्री करके देखेंगे, वापिस जाएंगे। अब हमारा जो पहला स्टेप था, जब हमें जॉब ऑर्डर रिसीव होगा तो हमें उसे रिकॉर्ड करना है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, जाएंगे ऑर्डर वाउचर में। अब यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस W फॉर जॉब वर्क इन ऑर्डर में एंट्री करने के लिए। यहाँ पे आप डेट चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप पार्टी अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस C। हमारा जो मैनुफैक्चरर है, जो हमारी प्रिंसिपल कंपनी है, उसका जो लेजर वो बनाएंगे। ये मेरा होगा सेंडरी डेटर्स में, इसको मैं यस करूंगा, रेगुलर उसकी जीएसटी डाल दूंगा, अब यहाँ पे आप डिटेल भरना चाहें तो भर सकते हैं। तो मैं यहाँ 30 ले लिया, यहाँ डाली मैंने शर्ट्स, तो बाकी भी आप फिल कर सकते हैं।
या मैं जॉब ऑर्डर नंबर डाल दूंगा, जैसे आप, मैं डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए जॉब ऑर्डर वन, तो था। अब यहाँ पे आप जो है, आपको जो जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो यहाँ लेना है, तो मुझे प्रोड्यूस करना है शर्ट्स, तो मैं शर्ट्स ले लूँगा। हाँ भैया, ट्रैक कॉम्पोनेंट्स में यस कर देंगे। यहाँ आप ट्यू ट्यू ऑन में ले लेंगे 30, और फिर यहाँ पे गोडाउन में डाल, गोडाउन में जो था मेरा जॉब वर्क इन वो ले लेंगे। हम यहाँ क्वान्टिटी डाल देंगे, क्वान्टिटी में डालता हूँ मैं, मान लीजिए मुझे 40 शर्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करनी है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये डिटेल शो करेगा, आपने एक शर्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो मोटर मटेरियल की जो डिटेल फिक्स करी थी उसके अकॉर्डिंग ये आपको 40 शर्ट्स की डिटेल यहाँ शो करेगा। इसे आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप रेट फिक्स कर लेंगे, जैसे मैं लेता हूँ बटन्स का जो रेट है वो 60 है। फिर थ्रेड्स का भी ले लेंगे, ग्रोथ का डालते हैं, और यहाँ पे स्क्रैप, स्क्रैप में दिखाएगा पेंडिंग टू इशू, तो उसको हम, क्योंकि हमें इसको वापस करने हैं तो ये पेंडिंग टू इशू में शो करा है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ 1, फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ रेट में डाल देता हूँ 5,000, और फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा हो गया जॉब ऑर्डर जो रिसीव किया था कि हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप था कि हमें रॉ मटेरियल जो है वो रिसीव होगा, उसको हम कैसे करेंगे, जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में और यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस W फॉर मटेरियल इन के लिए। यहाँ पे आप पार्टी में अकाउंट ले लेंगे राहुल कंपनी, यहाँ पे आप जो हमने ऑर्डर ऑर्डर जो डाले थे वो ले लेंगे, उसका रेफरेंस ले लेंगे, उसका कर लेंगे, सोर्स ऑफ अकाउंट नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल होके आ जाएगी। फिर इसका एक्सेप्ट कर लेंगे, अब ये हमारा रॉ मटेरियल रिसीव करने की जो एंट्री थी वो भी हो गई। अब रॉ मटेरियल रिसीव करने के बाद हमें अपने जो रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके फ्रेश गुड्स में तैयार करना है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, वापिस जाएंगे, जाएंगे आप अकाउंट्स इन्फो में, या जाएंगे वाउचर टाइप्स में और क्रिएट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक वाउचर क्रिएट करेंगे। इसको लेंगे हम स्टॉक जनरल में, और फिर लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूज अ, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, इसको आप यस करेंगे, फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर वापिस जाएंगे और एंट्री करेंगे, जाएंगे अकाउंट्स अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस F7, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जनरल जो आपने अभी बनाया था। अब यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट, आपको जो प्रोडक्ट तैयार करने हैं उसका नाम डाल देंगे। गोडाउन में हमारा जो होता है गोडाउन वो ले लेंगे, और क्वान्टिटी मुझे कितने शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है वो डाल देंगे, मुझे 40 करनी थी मैंने 40 डाल दिया। और यहाँ पे आप क्वान्टिटी डालते ही आपके जो जितने भी रॉ मटेरियल थे वो कितने कितने यूज होंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो टोटल जो रेट है वो कितना आ जाएगा, 950 पर शर्ट, इसका एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग करने की एंट्री। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो था हमारा जो फ्रेश प्रोडक्ट है उसको डिलीवर करना, तो उसके लिए हम जाएंगे इन्वेंट्री वाउचर में, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस J फॉर मटेरियल आउट के लिए। यहाँ पे फिर अपना पार्टी अकाउंट ले लेंगे और जो हमारा ऑर्डर था उसका रेफरेंस ले लेंगे, उसका सब कर लेंगे, यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा, और फिर यहाँ शर्ट पर यहाँ पर पूछेगा आपको कि आपको उसको एज ए स्क्रैप लेना है, तो आप उसको नो रहने देंगे, यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पे स्क्रैप का पूछेगा तो आप उसको यस करेंगे, फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ये हो गई हमारी एंट्री डिलीवरी करने की, जो हम उसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसकी एंट्री हो गई। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है सेल्स, जो हमारा इनवॉइस है उसको जनरेट करना,
तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अब यहाँ पर आप प्रेस करेंगे F8 सेल्स में जाने के लिए, और यहाँ पर जो आपको एंट्री करनी है वो सर्विस की एंट्री करनी है, तो आपको जो एंट्री करेंगे वो करेंगे हम अकाउंटिंग इनवॉइस में। तो इसके लिए प्रेस करेंगे और प्लस आई। अब यहाँ पे आपका पार्टी अकाउंट ले लेंगे, और पर्टिकुलर्स में मैं एक लेजर बनाऊंगा जो मुझे चार्ज करूंगा इसके लिए। ये मेरा होगा इनडायरेक्ट इनकम, या आप डायरेक्ट इनकम ले सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एप्लीकेबल इसको यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, नीचे ट्रांसफर में सेल्स एक्सेप्टेबल होगा, और रेट में फिक्स कर लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए 18%। यहाँ ले लेंगे सर्विस, उसका एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारी जी मैं सोच चार्ज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ 40,000। और यहाँ पे हम अपना जो हमारा टैक्स है वो भी लगाएंगे, तो उसके लिए लेजर बनाएंगे। ये एंट्री हमारी हो गई सेल्स की, इसका सब कर लेंगे। तो ये था पूरा प्रोसेस। जब आप कोई जॉब वर्कर होते हैं और आपको कोई जो गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर मिलता है, तो उस पूरे प्रोसेस की एंट्री आप कैसे करते हैं वो हमने आज इस वीडियो में सीखा। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। थैंक यू।